नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसे, आप देख रहे हैं ट्रैकिंग टेक। और आज का जो वीडियो है, अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं या फिर आपका जो पुराना स्मार्टफोन है वो नया आपको चेंज करके नया लेना है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 7 ऐसे स्मार्टफोन्स आपको बताने वाला हूं जो अगस्त में लॉन्च होने वाले हैं। वैसे भी 2017 एक्शन पैक्ड रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए, लेकिन अगस्त ये सबसे बड़ा महीना रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं। ये वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला फोन जो अगस्त 9 को लॉन्च होने वाला है वो है लेनोवो K8 नोट। जी हाँ, ये K6 नोट का सक्सेसर है और ये फुल HD 5.5 इंच स्क्रीन वाला फोन होगा। 64GB रैम, 64GB स्टोरेज होगा। सब डिटेल्स हम इधर दे रहे हैं आपको, आप इसके सब डिटेल्स देख ही सकते हैं। तो ये है सबसे पहला फोन जो लॉन्च होगा अगस्त 9 को। इसकी जो प्राइस रेंज होगी वो अराउंड 15,000 to 18,000 के करीब होगी, विच आई थिंक मिड रेंज फोन के लिए बहुत ही अच्छी है, स्पेसिफिकेशंस भी बहुत अच्छे हैं इसके। दूसरा जो फोन है लिस्ट पे वो है असूस ZenFone 3 Zoom। जी हाँ, अभी उनका 8-10 दिन पहले ही ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब ZenFone AR फोन लॉन्च हुआ था, अभी उनका लॉन्च होगा Zoom, जो ZenFone 3 Zoom फोन है वो लॉन्च होगा, और ये भी 5.5 इंच है, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, और ये सब स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। ये भी लॉन्च होगा अगस्त में, और इसमें डुअल कैमरा सेटअप होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। प्लस 5000mAh बैटरी भी इसमें होगी, अच्छी बड़ी बैटरी दी है, तो ये भी फोन बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो प्राइस रेंज होगा वो अराउंड 20-25 के बीच में होगा, अभी तक कंफर्मेशन हमें मिली नहीं है, लेकिन अराउंड दैट रेंज ये जो ZenFone Zoom 3 फोन होगा वो होगा। तीसरा बड़ा फोन है Samsung Galaxy Note 8। जी हाँ, वी होप दैट उसकी बैटरी बर्स्ट ना होए जैसे पहले Note 7 की होती थी, लेकिन ये भी 5.7 इंच स्क्रीन, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, उनका Samsung का खुद का फ्लैगशिप प्रोसेसर, ये सब आने वाला है, लेकिन ये फोन सस्ता नहीं होने वाला है। ये एब्सोल्युटली आई एम श्योर कि 50,000 के ऊपर इसका प्राइस रेंज होगा। ये भी इस अगस्त में लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको सैमसंग के फोन चाहिए और फ्लैगशिप लेवल के चाहिए और जिसका बैटरी बस्ट ना हो ऐसा फोन चाहिए, तो शायद नोट 8 आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो फोन है वो आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, जिसका नाम है ब्लैकबेरी Q1। वो अपने दिमाग से भी निकल गया है ब्लैकबेरी, बहुत 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा बात होता था इस ब्रांड के बारे में, लेकिन अब ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। ये QWERTY कीबोर्ड के साथ आएगा, लेकिन छोटे स्क्रीन होगा, 4.5 इंच स्क्रीन होगा इसका, QWERTY होगा, एंड ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस मालूम नहीं है, लेकिन ये अगस्त के पहले हफ्ते में ही, इनफैक्ट फर्स्ट या सेकंड को ही लॉन्च होने वाला है। इनवाइट्स भेज दिए हैं लोगों को ब्लैकबेरी ने, तो ये भी फ़ोन आ रहा है। अगर आपको छोटा जिसके साथ QWERTY कीबोर्ड हो, आपको टाइप करने का बहुत शौक है और कीबोर्ड आपको QWERTY चाहिए, तो ज़रूर इस फ़ोन के पास देखिए। मुझे लगता है सिर्फ प्राइस उन्होंने ठीक तरह से रखनी चाहिए, ब्लैकबेरी जनरली उनके फ़ोन्स ओवर प्राइस कर देता है और उन्होंने ये अवॉइड करना चाहिए इस टाइम। तो ये जो ब्लैकबेरी Q1 है ये भी अभी अगस्त में आने वाला है। ये हमारा था चौथा फोन। सोनी जनरली लॉन्च करता है हाई एंड फोन्स, महंगे फोन्स, लेकिन वो आ रहा है Xperia L1 ये फोन के साथ, जो मिड रेंज फोन है जिसका प्राइस होगा अराउंड 15,000। पहली बार वो MediaTek प्रोसेसर के ऊपर आने वाला है, जिसके ऊपर एंड्रॉयड 7.1 होगा, प्लस उसके 5.5 HD स्क्रीन होगी, उसे क्वाड कोर 1.4 MT6737 प्रोसेसर भी होगा उसके अंदर। तो ये जो फ़ोन है ये भी आने वाला है अगस्त में, देखते हैं सोनी का ये फ़ोन कैसे करेगा, क्योंकि पहले उनके जो फ़ोन्स हैं, एक्सपीरिया के फ़ोन जनरली बहुत अच्छे हैं लेकिन ओवर प्राइज्ड होते हैं। ये पहली बार ऐसे होगा कि मिड रेंज और लोअर रेंज में उनका फ़ोन आने वाला है, तो अगस्त में आप वो ये फ़ोन के लिए भी रुक सकते हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है कि अगस्त में ही आएगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये अगस्त में लॉन्च होने वाला है। मोटो Z2 फोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमें पहले कुछ वीडियोस में, OnePlus 5 के साथ कंपैरिजन, क्योंकि उसका भी 835 प्रोसेसर है उसके अंदर। ये जो फ़ोन है ये भी आने वाला है अगस्त में, उसमें भी 6GB 8GB रैम के वेरिएंट्स आने वाले हैं, 64GB 128GB रोम वाले वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो अगस्त में ये फ़ोन भी आने वाला है, इसके भी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमें देखना पड़ेगा किस प्राइस पॉइंट पे आता है। जनरली आई एम होपिंग कि वो 30,000 to 35,000 रेंज में आएगा, होपफुली, देखते हैं जैसे ही लॉन्च होगा हम सब डिटेल्स आपको दे देंगे। एंड फाइनली सातवां फोन है Nokia 6, जो ब्रांड बहुत ही पॉपुलर होता था एक ज़माने में, लेकिन अभी इतना पॉपुलर नहीं है। ये जो फ़ोन है अगेन मिड रेंज फ़ोन है, 435 प्रोसेसर है इसके अंदर, 3GB रैम और 32GB रोम होने वाला है, मिड रेंज स्पेसिफिकेशंस है, देखते रहिए। ये फ़ोन भी अगस्त में लॉन्च होने वाला है। इन सब फोन्स में से ये जो 7 फोन्स मैंने आपको बोले हैं,
आप बताइए सबसे ज्यादा आप कौन सा फोन देखना चाहते हैं जिसका रिव्यू हम कर सकते हैं, एंड विच फोन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मोस्ट, ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अगले वक्त तक के लिए